तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। फिर से स्वागत है आपका हमारे फिर से यूट्यूब चैनल में एजुकेशन सेंटर में। तो गाइस, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर दिसंबर में पेपर आ रहा है, इसका ट्रिपल सी का उसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% ऐसे आए, ऐसे आपको क्वेश्चन कराने को गाइस मैं आपके लिए ऐसे 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 100 में से 100% आएंगे। ये हमारा दावे के साथ कह सकते हैं हम आपसे कि आपके 100 में से 100% आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आज आपको बता देता हूँ। आज कैसे कैसे क्वेश्चन है देखो, मैंने कई बार देखे हैं काफी हमारे के लिए एग्जाम होता है, बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे, कोई क्लियर कर लेता है। दिक्कतें क्या आती है, दिक्कतें आती है पढ़ने की, पढ़ते नहीं हूँ इसीलिए आप फेल हो जाते हो, पढ़ा कर रहे हो उसी से। मैं आज आपके लिए ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दिसंबर में। इस 20 में से 10 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना 100% फंसेंगे। नहीं फंसे तो आप मेरे से जरूर कमेंट करके बताना कि सर आपके क्वेश्चन क्यों नहीं आए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप नजर लगाकर रखना, कुछ नहीं करना। ट्रिपल सी में आपको सीरियस का फंडा बता देता हूँ, इतनी बड़ी सारी बुक्स लेकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको तो मैं समझा रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चनों को रट्टा मार लो और आप क्लियर कर लोगे एग्जाम। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि ट्रिपल सी आजकल इतना कठिन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। जो आप समझ रहे हो कि सर बहुत हार्ड होता है, क्लियर नहीं होता है, ये वो बहुत सारी दिक्कतें आती है सर, उसमें तो इंटरनेट आता है सर, इसमें भाई आपको ऐसे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ जो आपके सामने लेके आया हूँ, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो बात करते हैं सीधे, तो ट्रिपल सी मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन कौन कौन से। सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि आपको एपीएस प्रॉपर्टी के बारे में जानते होंगे उनको रट्टा मार लो पहला। दूसरी जनरेशन के बारे में रट्टा मार लो, जनरेशन में पहली जनरेशन कब से कब तक चली, सेकंड कब चली, थर्ड किस किस का जनरेशन हुआ, किस किस का इनपुट वाइज क्या क्या चीज होती है इनपुट, जैसे माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक ट्रैकबॉल हो, एमआरपीसीआर एमआईसीआर आईफोन टच और रिमोट, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इनको तो रट्टा मारना, आउटपुट वाइज क्या होता है, इनपुट क्या होता है, उनको तो मैं आपको ऐसे 20 इंपोर्टेंट करा रहा हूँ जो फाइनली आपके हर बार एग्जाम में आएंगे ट्रिपल सी में, और इस बार भी आने वाले हैं। तो बड़े आइए आप इस वीडियो के साथ खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी 20 क्वेश्चनों को, फिर देखते हैं। सबसे पहला है एचटीटीपी क्या होता है। देखो एचटीटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब क्या होते हैं प्रोटोकॉल होते हैं, नेटवर्किंग में आता है। आपको इतना कुछ नहीं करना, एचटीटीपी की फुल फॉर्म याद कर लेनी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर वो पूछ रहा है टीटी तो टेस्ट ट्रांसफर, और अगर वो एचटीटी पूरी पूछता तो आप बता देते हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ओएलएक्स, ओएलएक्स तो सभी जानते हैं आजकल नॉर्मली जनरली, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। किस बिजनेस में, ई कॉमर्स में, हम अपना ओएलएक्स देख सकते हैं ओएलएक्स पे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर, देखो मैं लिब्रे ऑफिस पर ना स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने एमएस ऑफिस तो पढ़ा होगा, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट एक्सेस, ये वही लिब्रे ऑफिस है, बस क्या होता है उसका पैटर्न अलग है, इसका अलग है। ये जो राइटर लिखा हुआ है ना आप देख रहे हो ना राइटर, ये वाला राइटर, ये राइटर क्या है एमएस वर्ड होता है, इसमें लिब्रे ऑफिस में राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है आपको फटाफट जवाब देना है, कंट्रोल शिफ्ट जीरो सर, रट्टा मान लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नाबार्ड, नाबार्ड को आप जानते हैं नाबार्ड क्या होती है, बैंक होती है। नाबार्ड को किस कमेटी द्वारा स्टैब्लिश किया गया आपको बताना है, शिवरमन कमेटी द्वारा, किसके द्वारा, शिवरमन कमेटी द्वारा। रट्टा मानने में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा जाएगा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, इंप्रेस किसे बोलते हैं, जैसे राइटर होता है जैसे पैरिक होता है वैसे इंप्रेस होता है, पावर पॉइंट का सॉल्यूशन होता है। आपको क्या करना है इंप्रेस में स्लाइड ऑर्डर किस में सीधी सीधी बात है इंप्रेस में पाया जाता है। नेक्स्ट कुछ पूछा जाएगा डीईएस इन्वेस्टेड, डीईएस क्या है आपको बताना, डी कब इन्वेस्टेड हुआ, आईबीएम द्वारा हुआ था। डबल ई रोड, डबल ई रोड का पूर्ण रूप क्या होता है, डबल ई फोर होता है इलेक्ट्रिकल, ई फोर होता है रेडेबल, और रोड फोर होता है रीड ओनली मेमोरी। वैसे तो देखो इसकी पूरी का फुल फॉर्म ये है डबल ई पी रोड, ये होती है पूरी। ई फोर होता है इलेक्ट्रिकल, ई फोर रेडेबल, ई फोर प्रोग्रामबल, क्या होता है प्रोग्रामबल, रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है, इस प्रकार आपकी होती है। किसमें आती है? रोम में। इसमें आएगी रोम में, जैसे हम लोग जो मेन मेमोरी होती है रैम हो उसमें रोम पूछा जाता है, रोम की काफी प्रकार की होती है। ठीक है, ये पूर्ण रूप आपको समझ लेना अच्छे से। कौन सा नेटवर्क कंट्री सिटी वर्ल्ड को कनेक्ट करता है? ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखो नेटवर्क होता है तीन प्रकार का, एक होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। ये एक किलोमीटर के दायरे के अंदर कवर करता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको एक किलोमीटर के दायरे के मैन क्या होता है? मैन होता है एक तरीके से आप समझ लेते हैं इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, उसमें कौन सा नेटवर्क कौन आएगा आपका? मैन नेटवर्क। और वैन जो होता है सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक को भी नेटवर्क को कवर कर लेता है। तो इसमें ये तो सिंपल सा हो गया, वैन सही आंसर है इसका। IMPS, IMPS का पूर्ण रूप क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये थोड़े से मैंने कई बार देखा है, हर बार ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, इन क्वेश्चनों का रट्टा मार लो बस, और आप एग्जाम आराम से 100% कह रहे हैं आप क्लियर कर लोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, APS, APS क्या होता है? APS की फुल फॉर्म होती है एडवांस इनेबल पेमेंट सिस्टम। और एक ATM होता है, ATM की फुल फॉर्म क्या? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखो आप सभी जानते हैं, तो रट्टा मार नहीं होगा तो बस देखते समझ जाओगे। ATM आजकल तो नॉर्मल है। कार का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और नेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने कई बार देखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने कई बार देखा है, पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो एमएस ऑफिस पढ़ाया है, चलो मानते हैं, ट्रिपल सी में पढ़ाते क्या है हम सब? ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या पढ़ाते हैं हम सभी वही पढ़ाते हैं, एमएस ऑफिस है ना, एमएस ऑफिस पढ़ा लेते हैं। ट्रिपल सी में क्या पढ़ाओगे? एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, नेटवर्किंग, ये सब तो पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आते। आजकल क्या कर दिया, इतना ज्यादा हाई लेवल कर दिया पैटर्न को कि हमने इसमें कॉमर्स भी घुसा दी, इसमें हमने रीजनिंग को, मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखे रीजनिंग तक आ जाते हैं, नेटवर्किंग भी आ जाती है। तो मैंने पर एक चीज सभी का मिश्रण करके एक चीज सीखी कि उसमें क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाए हैं। मैं श्योर कह सकता हूं, 101% कह सकता हूं कि 20 क्वेश्चनों में से आपके 10 क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं। तो इसलिए विशेष कर ध्यान दें, आपको रट्टा मारना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं डीपली इसके बारे में आपको जानकारी इतनी नहीं, पर रट्टा मान लो आप, क्योंकि ट्रिपल सी बिल्कुल नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है। ट्रिपल सी के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है कि हम अच्छे से बुक को क्लियर कर सकें। दिसंबर में एग्जाम आने वाला, फटाफट आप क्लियर कर लो। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि ABRS, मैंने ABRS क्या होता है, आपको ABRS के बारे में फटाफट बता देना है। ABS क्या होता है? आधार, बेस, ना रेमिटेंस और सर्विस। रेमिटेंस, सर्विस, डॉक्यूमेंट के नीचे जाने की शॉर्टकट की तो सब जानते हैं, कंट्रोल प्रेस इंटर एंड होता है। अगर तुम एमएस वर्ड चला रहे हो, कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, कंट्रोल दबा के इंटर प्रेस कर देना, सॉरी एंड प्रेस कर देना कीबोर्ड से, और डायरेक्ट नीचे पहुंच जाओगे। आप किस मतलब प्रोग्राम पे चला रहे हो उसी क्लास में पहुंच जाओगे, एमएस वर्ड के लास्ट पेज पे। ईसीबी क्या होता है? एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्राउजिंग होता है। वाईफाई आप जानते हो, वायरलेस और फिडेलिटी होता है, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। परम, परम किस देश में विकसित हुआ? परम क्या जानते हो? परम हमारा इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर परम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यूपीआई, यूपीआई आप जानते हो क्या होती है? थोड़ा और एग्जाम को कभी भी आप क्लियर करो ना ट्रिपल सी के को तो, लेकिन एक चीज उसमें विशेष कर ध्यान रखनी, आपको क्वेश्चन को डीपली समझना है बिल्कुल, क्योंकि यूपीआई तो सब कंफ्यूज हो रहे हैं, यूपीआई को कितने घंटों में यूज किया, अरे 24 घंटे यूज करते हैं, यूपीआई क्या होता है? जैसे हम फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे, वही तो यूपीआई है, कंफ्यूज मत होना आप कभी भी। और HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर कोड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो आप समझ रहे होंगे। ट्रिपल सी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ट्रिपल सी इतना हार्ड नहीं है। मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, कल भी मैं आपके सामने फिर से लेके आऊंगा आपको 20 क्वेश्चन। आपको क्या करना है बार बार आपने ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं 20 क्वेश्चन, इनको रट्टा मार लेना बस, गारंटी हमारी आपको एग्जाम क्लियर कराने की, बस रट्टा मार लो फटाफट। और मैंने आपको पहले बता दिया बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए,
जैसे कि थ्योरी में कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या है, और कंप्यूटर वहां पर लिखा है क्या है, केवीएल जीबी ये सब क्या क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर को किन्हें बोला जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए ये जो माउस है कौन सा डिवाइस है, इनपुट है आपका, ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से लर्न करके जाना, ध्यान रखना। आप ये कहें कि सर आपने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, एग्जाम नहीं हो रहा, बस बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सेल के कुछ फॉर्मूले होते हैं वो रिटेन कर लो, अच्छे से लर्निंग कर लो। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन किससे करते हैं, एमएस वर्ड के कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, एक मिनट शॉर्टकट की है, जनरेशन है, वो एक बेसिक क्वेश्चन है, उसमें से 100% 20 क्वेश्चन बचते हैं, मुझे गारंटी के साथ कहता हूँ। और जो मैं तुम्हें पढ़ाया उसमें से 50% से ऊपर ही निकाल कर लेके आओगे, जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 50% से प्लस में ही आएंगे, वेट कीजिए बस। इसलिए कह रहा हूँ एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, आप सफल से की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया आपको तुरंत कमेंट करके बता लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक बने रहिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।